स्वागत है मित्रों। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या लाइक्स के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए हम कोई वीडियो नहीं बनाते। जो हमारे खेत में, हमारे किचन गार्डन में फसल लगी हुई है उसके बारे में उसका अपडेट ही आपके पास पहुंचाया जाता है। मित्रों, आप जो देख रहे हैं यह बारहमासी अरहर है जिसे महाराष्ट्र में तुअर बोला जाता है, और यह इतनी सक्सेस वैरायटी है कि हम पिछले डेढ़ महीने से इसकी हरी फलियां खा रहे हैं, और हरिया फली खाने के बाद इसमें अब जो फलियां है वह पकना शुरू हो गई है, और यह फलियां पकने के बाद यह बीजों के लिए काम आएगी। इसका बीज अभी तक हमने राजस्थान, गुजरात, पंजाब इन राज्यों में भी भेजा है, और यह 12 ही महीने फलियां देने वाला बीज है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें इतनी मात्रा में फलियां लगी हुई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए मित्रों, ये जो फसल है यह बरसात की फसल लेने के बाद इसको हमने रीकट किया था। रीकट करने के बाद दोबारा उसमें नए कल्ले निकल गए। नए कल्ले निकलने के बाद उसमें दोबारा फ्लावरिंग आई। फ्लावरिंग आने के बाद फलियां सेट हो गई और बहुत जल्दी वह हमें खाने को भी मिल गई। तो मित्रों, मेरा ऐसा कहना है कि यह सब्जी मार्केट में 12 ही महीने हरी फलियों की सब्जी खाने के लिए लोग अरहर की हरी फलियां मंगाते हैं, लेकिन मार्केट में साल भर हरी फलियां नहीं मिलती। लेकिन यह एक ऐसी वैरायटी है जो कि साल भर हमें हरी फलियां देती रहती है। अभी हम इसकी जितनी भी फलियां है यह बीजों के लिए आरक्षित करके रखने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास का अभी बीज ख़त्म हुआ है। मैंने परसों ही राजस्थान बीज भेजा है, और यह सारा बीज अब मित्रों को देने के लिए कलेक्ट किया जाएगा। और एक साइड से ही नहीं, दूसरी साइड से भी मैं दिखाता हूँ। देखिए कितनी मात्रा में फलियाँ इसको लगी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको फलियाँ लगती है। और आप देख रहे होंगे कि इस पर कोई कीट का भी हमला ज़्यादा होता नहीं है, और फलियों की जो साइज है वह आम तुअर से